तो दोस्तों पटना वालों को मिलने जा रही है एक बहुत बड़ी सौगात, जो कि पटना मरीन ड्राइव के रूप में जो उसका फेज टू का काम है वो अब लगभग पूरा हो चुका है दोस्तों। और अभी जो पटना अशोक राजपथ में जो जितना भी जाम लगती थी, जाम की समस्या का समाधान होने जा रहा है, जो कि PMCS से लेकर के आपको गाय घाट तक जो फेज टू का जो है पटना मरीन ड्राइव का काम वो लगभग पूरा हो चुका है और उसे जल्द ही अगले महीना में उम्मीद करता हूँ उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं गाय घाट के पास और वहां पर आपको दिखाते हैं कि उसका स्लैब लॉन्चर मशीन कहां तक पहुंचा है और कितना काम हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पटना मरीन ड्राइव का जो काम है इसका लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पटना मरीन ड्राइव का सेगमेंट है वो गाय घाट तक पहुंच चुकी है। और ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दोस्तों कि ये एकदम बिल्कुल गाय घाट तक पहुंच गया है, जो कि पटना सिटी में रहने वाले को लोगों को जो अशोक राजपथ में जो जाम का समस्या का समाधान जो करना वो मतलब जाम का समस्या से जो जूझना पड़ता था उसके लिए सबसे बेस्ट ये JP गंगापथ का जो पटना मरीन ड्राइव है जो PMCS से डायरेक्टली इसका फेज टू का काम जो एकदम बहुत तेजी से चल रहा है और ये एकदम कंप्लीट एकदम गाय घाट तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, ये पटना सिटी में जितने भी लोग रहते हैं जो जाम के समस्या से जूझते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो PMCS तक जो कि दीघा से लेकर के PMCS तक ये इसका पटना मरीन ड्राइव का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके आगे का काम ये रुका हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका काम गाय घाट तक पहुंच गया है, जो कि PMCS से लेकर के गाय घाट तक। आप देख सकते हैं ये स्पैन लॉन्चर मशीन लगा हुआ है, ये लास्ट स्पैन है, इसके बाद यहाँ पे ये जो गटर रखा हुआ है ये इसके ऊपर लॉन्च की जाएगी और इसको आगे बदर घाट की तरफ इसको उतार दी जाएगी। और ये इसका लास्ट गटर लॉन्च करने के लिए बचा हुआ है पिलर नंबर 128, जो कि इसके नीचे भी खुदाई का काम चल रहा है।